था कि आपको नजर आ रहा है। अब हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक स्टडी किया था बच्चों, वो था प्रोडक्शन सिस्टम का। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, हम रूल डिफाइन करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली अपने आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर। तो जो हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम है या इंटेलिजेंट सिस्टम है, वो उन रूल्स को यूज करते हुए डिसीजन लेता है, ठीक है। और वो रूल्स जो हैं वो हम किस बेस पे डिफाइन करते हैं कि एक कंडीशन दी होती है, करंट सिचुएशन, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती है वो कंडीशन एग्जीक्यूट होती है और उसको हम एक्शन कहते हैं। ये अगर एग्जांपल आपको याद हो, लास्ट टाइम हमने की थी ये बस स्टॉप वाली, ठीक है। तो उसमें एक पॉइंट जो था हमारे पास, जैसे ये है, तो ये जो है वो सिचुएशन थी और फिर ये जो गेट ऑन द बस, ये एक्शन था, ठीक हो गया। तो यानी इसके दो पार्ट थे, एक कंडीशन और एक सिचुएशन, सॉरी एक सिचुएशन और एक उसके अगेंस्ट एक्शन। अच्छा, अब फर्ज कर लेते हैं हम, जो एग्जांपल है हमारे पास कि आपने ही एक इंटेलिजेंट रोबोट बनाया है जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डेटाबेस यूज कर रहा है नॉलेज की, ठीक हो गया, तो उसमें जो नॉलेज को रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो नॉलेज को थ्रू प्रोडक्शन सिस्टम और प्रोडक्शन रूल्स के अकॉर्डिंगली नॉलेज को रिप्रेजेंट किया हुआ है उसकी मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो अब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है हमारे पास, हमने उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसे सारा नॉलेज दिया हुआ है, ठीक है। अब उस नॉलेज के अकॉर्डिंगली हमारा जो रोबोटिक सिस्टम है जो कि इंटेलिजेंट है, उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव टू जग, हमारे पास दो जग हैं और उनकी कैपेसिटी जो है वो इस तरह से है कि जो हमारे पास एक जग है उसकी कैपेसिटी है 5 लीटर और दूसरे की कैपेसिटी है 3 लीटर, ठीक है। और एक टैप है और उसके अंदर एंडलेस सप्लाई ऑफ वाटर अवेलेबल है, ठीक हो गया। अब ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हमने 4 लीटर्स एग्जैक्टली जो पानी है वो 5 लीटर जग में उसको भरना है, ठीक है। और करना क्या है, विद मिनिमम स्टेप्स पॉसिबल, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इस एग्जांपल को जो मैंने आपको थोड़ी इसकी डिटेल बताई, अगर आपको वो डिटेल समझ आ गई है तो मैं इसके सोल्यूशन पर मूव करूंगा। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल में कोई क्वेश्चन है जो स्टार्ट से मेरे साथ हैं, जो लेट आए हैं वो नहीं है, जो स्टार्ट से मेरे साथ हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर उनको इस एग्जांपल की समझ नहीं आई तो, कि ये क्या एग्जाम्पल है और हम क्या करने जा रहे हैं। इफ एनी स्टूडेंट कन्फ्यूज है तो वो मुझसे पूछ सकता है अभी, एनी वन। जी स्टूडेंट्स, अभी तक क्लियर है? हमजा? यस सर, क्लियर। यानी अभी तक जो मैंने आपको एग्जांपल का सिनेरियो बताया वो आपको समझ आ गया? जी सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं कि अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको ये वाले, अगर आपको सेकंड स्क्रीन नजर आ रही है तो यहाँ पे हमने थ्रू प्रोडक्शन सिस्टम नॉलेज को रिप्रेजेंट किया हुआ है अपनी इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इस नॉलेज को हमने थ्रू प्रोडक्शन सिस्टम रिप्रेजेंट किया हुआ है, जैसे कि हमने देखा था कि प्रोडक्शन सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम जस्ट सिंपल जो हमारी इंग्लिश सेंटेंस है उनके अकॉर्डिंगली अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट कर देते हैं और फिर वो उस नॉलेज को हमारा सिस्टम क्या करता है, यूज करता है। अभी यहाँ पे हमने इस खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 8 पॉसिबल जो प्रोडक्शन रूल्स हैं वो डिफाइन किए हुए हैं, 8 पॉसिबल जो स्टेप्स हैं ये डिफाइन किए हुए हैं। अब ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि मिनिमम जो पॉसिबल स्टेप्स हैं वो हमने यूज करने हैं। फर्स्ट पे जो फर्स्ट हमने इसमें रूल डिफाइन किया हुआ है प्रोडक्शन रूल, वो ये है कि फिल द 5 लीटर जग फ्रॉम टैप, एम्प्टी द 5 लीटर जग, फिल द 3 लीटर जग फ्रॉम टैप,
एम्प्टी द 3 लीटर जग, देन एम्प्टी द 3 लीटर जग टू 5 लीटर, फिर एम्प्टी द 5 लीटर जग टू 3 लीटर, देन पोर वाटर फ्रॉम 3 लीटर टू 5 लीटर, और 8 पे है पोर वाटर फ्रॉम 5 लीटर टू 3 लीटर बट डोंट एम्प्टी। अच्छा, ये स्टेप्स हैं जो हमारी प्रीवियस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल हैं। अच्छा, अब हमने, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने मिनिमम पॉसिबल स्टेप्स को फॉलो करना है। अब जब हम स्टार्ट में प्रोडक्शन सिस्टम में आपको उसके बारे में बता रहा था, तो प्रोडक्शन सिस्टम में हमने ये देखा था कि उसमें एक रूल अप्लायर होता है और एक जो होता है वो हमारा दूसरा होता है जो रूल्स को डिसाइड करता है कि जो लिस्ट अवेलेबल है उसके पास रूल्स की, उसमें से कौन सा रूल अभी एप्लीकेबल है, ठीक है। और फिर जो उसका दूसरा है चेकर है, वो चेक करता है कि क्या ये जो रूल है इस रूल के से हमारी जो अप्लाई करने से प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी या नहीं होगी। इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको याद होगा, मैं दोबारा से उस स्लाइड पे ले जाता हूँ जहाँ पे हमने ये चीज को देखा था, ठीक है। ये है अ कंट्रोल स्ट्रेटजी, दो चीजें होती हैं ना इसमें, एक होती है कंट्रोल स्ट्रेटजी, वो क्या डिफाइन करती है कि जो ऑर्डर्स हैं, जो रूल्स डिफाइंड हैं, वो किस ऑर्डर में अप्लाई होने चाहिए। और एक है रूल अप्लायर, वो जी वो क्या डिसाइड करता है कि जो रूल अप्लाई करना है क्या वो रूल जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ये दो चीजें हम स्टडी कर चुके हैं, कंट्रोल स्ट्रेटजी और एक रूल अप्लायर। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये स्टेप्स डिफाइंड हैं, इन पे हमने पहले वो दोनों ही कंट्रोल स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, जिसमें हमने देखना है कि कौन सा रूल पहले अप्लाई होगा, और देन हमने क्या करना है, रूल जो चेकर है उसने इसको देखना है कि क्या इसमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो इसका जो पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, जो मिनिमम स्टेप्स के साथ हम इसको अचीव कर सकते हैं, वो ये वाला है, पहले वाला। और इस ऑर्डर को भी फॉलो करके हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं, और इस वाली प्रॉब्लम को, इस वाले ऑर्डर को भी फॉलो करके हम अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम इसको अभी प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखें, तो सबसे पहले इसमें जो रूल डिसाइड करना है वो है 1। हमजा आप एक सेकंड होल्ड करें, मैं एक दफा आपको ये कंप्लीट कर लूं, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूं। तो जो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रेटजी है, उसने पहला ऑर्डर जो सिलेक्ट किया है वो रूल नंबर 1 है कि ये वाला अप्लाई होगा मिनिमम स्टेप्स के थ्रू अगर करना है तो। यानी वो क्या करेगा, फिल द 5 लीटर जग फ्रॉम टैप, जो 5 लीटर जग है उसको टैप से फिल करना है। उसके बाद 8 नंबर जो है, जो कंट्रोल स्ट्रेटजी है वो सिलेक्ट करेगी कि 8 नंबर रूल जो है ये अप्लाई होगा सेकंड ऑर्डर पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पोर वाटर फ्रॉम 5 लीटर्स टू 3 लीटर्स बट डोंट एम्प्टी, यानी जो 5 लीटर की बोतल है उससे पानी 3 लीटर वाली में जो है वो उसको ट्रांसफर कर दे। अच्छा, ये हमारा सेकंड भी जो 8 नंबर है ये भी अप्लाई हो गया। अब थर्ड स्टेप पे कौन सा रूल होगा अप्लाई, जो 4th नंबर पे है। तो 4th पे क्या है, एम्प्टी द 3 लीटर जग, कि जो 3 लीटर जग है इसको एम्प्टी कर दो। अब 4 पे ये हो गया। उसके बाद इसने जो कंट्रोल स्ट्रेटजी है उसने सिलेक्ट करना है रूल नंबर 6। तो 6 पे अगर हम जाएं तो उसमें क्या है, एम्प्टी द 5 लीटर जग टू 3 लीटर, ठीक हो गया, ये 6 भी अप्लाई हो गया। और उसके बाद दोबारा जो रूल सिलेक्ट होना है वो है रूल नंबर 1, और वो क्या है, फिल द 5 लीटर जग फ्रॉम टैप, ठीक हो गया। अब और एंड पे क्या करना है, पोर वाटर फ्रॉम 5 लीटर टू 3 लीटर बट डोंट एम्प्टी। तो ये हमारा जो डिजायर्ड गोल है ये अचीव हो जाएगा इसको फॉलो करते हुए, इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए, ठीक है।
तो ये मिनिमम पॉसिबल स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हमने क्या किया, अपनी इस प्रॉब्लम का बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन सिस्टम यूज कर लिया। अब जो हमारा एक्चुअल में सिस्टम मशीन में डिफाइंड होता है उसमें कंडीशन की फॉर्म में ये वाले रूल्स अप्लाई होंगे, यानी उसमें इफ और देन वाली जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं वो सारी जो है उसमें लगी होंगी, इफ वन कंडीशन देन सेकंड कंडीशन, और उसके अंदर जो बाकी जितने भी रूल्स आएंगे वो हमारे इसी सेट में से आएंगे जो हमने रूल का डिफाइन किया हुआ है। आपको एक एग्जांपल करवानी है जो हमारी प्रोडक्शन सिस्टम हम पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड ही है, ठीक है, तो आज उसी को हम इन डिटेल थोड़ा देखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।